हूं श्वेता था, आप देख रहे हैं आज तक। लॉकडाउन का असर अब घरों में बंद लोगों पर दिखने लगा है। जी हां, कई सारे लोग मानसिक बदलाव और तनाव की शिकायतें आजकल कर रहे हैं। कहीं माँ बाप के पास घर में खाली बैठे बच्चों के सवालों के जवाब नहीं है, तो कहीं घरों में कैद बुजुर्गों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। देखिए रिपोर्ट। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, खासकर जब बच्चे होते हैं तो सबसे पहले तो घर से बाहर जाना चाहते हैं। इस लॉकडाउन में उनको ये समझाना कि घर में रहना जरूरी है। एक्चुअली इनको घर में रखना बहुत मुश्किल काम है। पहले ये होता था कि चलो स्कूल चले जाते हैं तो 3 घंटे के लिए हम फ्री हो जाते हैं, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जिस रूम में है उस रूम में ध्यान देना पड़ता है। कई बार स्विच बोर्ड में फिंगर्स डाल दी या कुछ भी डाल दिया, सारा दिन इन पे ध्यान रखो या काम करो, काम वाली की छुट्टी अलग है, तो थोड़ा यही है। और उसके साथ एक डॉगी, बिल्कुल डॉगी को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है घर के अंदर बंद रखना। जावेद, आपका मन करता बाहर जाने के लिए? नहीं, मन नहीं करता बाहर घूमने के लिए। एंग्जाइटी होती है किसी तरह? हाँ, होती तो है कि एकदम से लॉकडाउन हो गया और हमें बाहर जाने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा, ना हम बच्चों को लेके जा पा रहे हैं। अब बच्चे क्या करें, ऑल टाइम बच्चे खेलने, मतलब कोशिश करता बच्चे बाहर जाके खेलें, बट कोशिश हम बच्चों को समझा रहे हैं कि आप घर में बैठे टीवी देख सकते हैं, बच्चों का हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो आज तक हमें टाइम मिला नहीं स्पेंड करने के लिए। ठीक है, अब कुछ तो है जो बीमारी से बचने के लिए हमें करना पड़ रहा है। हम जिनके घर में हैं, ये माता जी हैं, आपकी उम्र कितनी है माँ जी? 70 तकरीबन 70 है। 78 साल की माता जी हैं, 70 साल की, और इस घर में अकेली ही रहती हैं आप? फिलहाल तो अकेली रहती हूँ, वो को साल में 6 महीने आ जाते हैं। अभी पूरा देश बंद है, एक वायरस से लड़ने के लिए एहतियात दिए जा रहे हैं, मानसिक स्तर पर आप लोगों के लिए ये कैसा समय है? ये मतलब मेरे लिए तो अच्छा नहीं, मनु दूसरों का पता नहीं है। मतलब रात को नींद भी कम आती है और मतलब ये सोचते हैं कि कब ये नॉर्मल हो जाए और कब नॉर्मल लाइफ लीड करें। हाँ, जो लोग दूर आपके रिश्तेदार हैं, जैसे आपने बताया गुजरात में है, दूसरे राज्य में, उनकी भी फिक्र होती है, हालचाल लेते हैं आपकी, वो किस हाल में है? डेली मैं सुबह टेलीफोन करती हूँ, वो भी मुझे करते हैं टेलीफोन पर, तो वो लेते हैं मेरी खबर लेते हैं, पर इतनी दूर से आ तो नहीं ना सकते, ट्रेनें बंद हैं, सब कुछ बंद है। कभी आपको भी घबराहट होती है घर में बैठे बैठे कि बाहर नहीं निकल सकती, किसी से बात करें, कोई हो साथ में? बाहर निकल के जब मेरे को घबराहट होती है तो मैं कुर्सी बाहर रख लेती हूँ और बैठ जाती हूँ और आते जाते को देखती हूँ, मेरी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो आपने देखा बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लॉकडाउन से किस तरह से परेशान है, उनकी मनोदशा क्या है, कैसे गुजर रहे हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निशा खन्ना। डॉक्टर निशा, बिना देर किए सबसे पहला सवाल जो पूरा देश इस वक्त जानना चाह रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं कि लगातार इन बुरी खबरों के बीच कैसे अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। देखिए, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड पर जो महामारी फैली हुई है उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे साथ नहीं है, सबके साथ ऐसा हो रहा है और हम अकेले नहीं है। बिकॉज किसी भी चीज में, अगर किसी भी सिचुएशन में और बुरे दौर में हम जाते हैं तो हम खुद को पाते हैं हम अकेले ही, और जब हमें आसपास के अपने साथ 2-4 लोग और बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो हमें लगता है मेरे साथ अकेले ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ बहुत सारे और लोग हैं जो इसी दौर से गुजर रहे हैं। और इस समय में अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, और जब हमें पॉजिटिव वर्क शब्द का प्रयोग करती हूँ तो इसका मतलब है हमें होपफुल होना है कि हमारे ऐसा करने से सिचुएशन सुधरेगी, हालात सुधरेंगे, बाहर जो महामारी फैली हुई है उसमें हम अपने आप को बचा पाएंगे, हम प्रिकॉशंस ले पाएंगे और इन प्रिकॉशंस के चलते हमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सबको पता है कि ये बीमारी चेन में फैल रही है, और उसके लिए ही हमारे पीएम ने कंट्री के लिए, हम सबके भले के लिए डिसीजन लिया है और हमें उसे फॉलो करना होगा। हमें फ्यूचरिस्टिक होना होगा, फ्यूचरिस्टिक का मतलब है दूर की सोचना होगा। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम सिर्फ उस वक्त के लिए ही सोचते, हम फ्यूचर को प्लान करते हैं, आने वाले समय में ये बीमारी क्या प्रॉब्लम दे सकती है। अगर हम एक दूसरे से फिजिकली तौर पर डिस्टेंट रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में है, इसलिए लगातार चूंकि समय की कमी रहती है तो एक आध सवाल आपसे और ले लेते हैं कि घर में जो बुजुर्ग पहले से, मान लीजिए जो कमजोर हैं, बीमार हैं, उनकी देखभाल करना भी एक चुनौती बन जाता है, और साथ ही उन बच्चों के बारे में भी हम आपसे पूछना चाहेंगे जो कि घरों में हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि उनकी छुट्टियां तो चल रही है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, ये समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती।
देखिए, जब बाहर जाने की आप बात करते हैं तो बेसिकली हमें उनके ड्रॉबैक्स को बताना पड़ेगा अगर हम बाहर जाएंगे, क्योंकि ये डिजीज इस तरह की है और बुरी तरह से स्प्रेड आउट हो रही है, और सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, दुनिया के सारे देश। मुझे लग रहा है जब आप बच्चों को लॉजिक देते हैं तो लॉजिक से बच्चे समझते हैं, और लॉजिक देना जरूरी है। साथ ही साथ उनको ये बताना है कि ये बीमारी सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ साथ अगर आप घर वापस आते हैं, आपको तो होगी, आप तो बीमार पड़ेंगे, आपके साथ साथ हमें भी होगी, और इसके साइड इफेक्ट्स हमें भी जुड़ने पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है ये वो टाइम है जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स, इवन से अडल्ट्स अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, इवन किड्स भी अपने पूरी फैमिली के साथ समय बिताकर इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस समय को हम अगर पॉजिटिवली इन्वॉल्व करेंगे और बच्चों को उनकी पसंद नापसंद, वो क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, उनके क्या सपने हैं, क्योंकि हम सब में भागदौड़ की जिंदगी में हम सबके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पूछ सके। तुम्हें डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम किस तरह की चीजों होते हो, तो वो एक कनेक्ट करने का मौका बिल्कुल। मिला। डॉक्टर निशा, कुछ और सवाल आपसे ले लेते हैं, जानना चाहेंगे कि जरूरी सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं, समाज में देखा जा रहा है कि उनको लेकर भी डर है, जो सोसाइटी है वो उनसे डरी हुई है। ऐसे में वो लोग जो रोज बाहर निकल रहे हैं ऑफिसेज के लिए, वो क्या करें, और साथ ही भविष्य की जो अनिश्चितता है उसको लेकर लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि आखिर अगर ये लॉकडाउन है तो ये कितने देर के लिए है, कितने दिनों के लिए है, आगे क्या होगा, इससे कैसे बचे। देखिए, जैसे 15 अप्रैल तक हमारे पीएम ने बोला है, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक डेडलाइन तो दी है 15 अप्रैल तक, ताकि 3 वीक्स का टाइम दिया है, ताकि इस पर्टिकुलर टाइम में जो कि हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हम अपना सके, ताकि जितना भी स्प्रेड आउट होना है उसको 14 डेज का पीरियड होता है, तब उन्होंने 21 डेज रखा है फॉर द सेफ्टी मेजर के लिए। साथ ही साथ जब आप लॉकडाउन के इस पीरियड में है, मुझे लग रहा है उसे और अच्छे से अगर हम प्रोग्रेसिव सोच से सोचे तो डेफिनेटली ऐसा होगा नहीं। देखिए, कहते हैं जब हम किसी चीज को आखिरी हद तक और अपने प्रिकॉशंस को बेटर मेजर्स करके चलते हैं, हम कैलकुलेटिवली स्टेप्स लेते हैं, तो किसी भी चीज और टारगेट को अचीव करना आसान हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास इटली या यूएस जैसी कंट्रीज है जहां पर लॉकडाउन की सुविधा हुई बट बहुत देर बाद हुई। अगर अर्ली हो जाता तो ये बीमारी बुरी तरह से स्प्रेड आउट नहीं होती, वहां के लोगों की मौत नहीं होती। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है हमें इस पॉजिटिविटी को बिल्कुल देखना लोगों को चाहिए, ये समझने की जरूरत है, और कुछ लोगों के ही सवाल, क्योंकि उनके सवाल है इसलिए हम डॉक्टर आपसे कर रहे हैं कि अब ऐसा हो गया है कि लोग अगर कोई घर में छींक भी रहा है नॉर्मली या खांस भी रहा है तो उसे ये लग रहा है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं हो गया, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसके साथ ही कोरोना के खौफ के बीच लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो परेशान हो जाते हैं, ये एक समस्या साथ ही आ रही है। और इसके अलावा और कि डर की वजह से कई लोग जो है वो टोना टोटका करने लगे हैं, अंधविश्वासी होने लगे हैं, इन सब से कैसे बचे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको घर से बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, वो घर में अगर अपने आप को पाते हैं तो असह्य महसूस करते हैं, बहुत डिसकंफर्ट महसूस करते हैं। तो इस डिसकंफर्ट की स्थिति में मुझे लगता है ऐसे लोगों को शायद अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत नहीं है, वो अकेले बैठ भी नहीं सकते हैं 5 या 10 मिनट के, या किसी हॉबी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कई बार आपके अपने पार्टनर्स के साथ, फैमिली के साथ कुछ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, जिसके चलते भी आप घर से बाहर रहना चाहते हैं, आप अपना टाइम बाहर स्पेंड आउट करते हैं, इंस्पाइट ऑफ ये एक्सेप्ट करने के कि हाँ हमारे उन इश्यूज, हमारे पार्टनर के साथ या हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ इश्यूज है। साथ ही साथ मैं ये जो बात कह रही हूँ, जब आपने टोटा बोल रहे हैं कि लोग इसको अंधविश्वास की तरफ लेके जा रहे हैं, पहले हर इंसान को ये समझना होगा ये एक बीमारी है और किसी टोटके से ये बीमारी ठीक नहीं होगी। नॉर्मल जुकाम हुआ है, फ्लू हुआ है, इसमें ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बीमारी में अगर डेथ रेट बहुत कम होता है, इस बीमारी में इम्यूनिटी सिस्टम के वीक होने की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वर्क होता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत होती है। तो प्लीज किसी चीज को इतना भी एक्सट्रीम में मत लें जिसकी वजह से हम डर के मारे घर के बाहर ना निकले, और कोई छींक भी कर रहा है तो हम बहुत ज्यादा चिंता करें। देखिए, नॉर्मल है, वेदर चेंज हो रहा है, फ्लू होना भी नॉर्मल है। हाँ, बट अगर पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने ऐसे सिस्टम्स दिए, आई थिंक सो आजकल हर एक को व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये सब चीजें मिल रही हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, और उस इंफॉर्मेशन को अगर आप सही तरीके से पढ़े और जायज सूत्रों से पढ़े तो वो सिम्टम्स की चेकलिस्ट है। उन सिम्टम्स की चेकलिस्ट को लंबे समय तक रह रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, डिस्प्ले हुए नंबर्स आप अपने टेस्ट करा सकते हैं प्राइवेटली भी और इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर। तो प्लीज छोटी छोटी चीजों के लिए
इन ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को भी परेशान मत करिए, आप घर में परेशान हो रहे हैं, अपने आप को हॉबी। आपने बहुत सही बात डॉक्टर निशा बताई। आखिरी दो सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि काम पर जाने वाले लोगों के लिए अचानक घर में रहना 2400 घंटे, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और साथ ही साथ कि परिवार से जो लोग दूर रह रहे हैं वो अवसाद यानी कि उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की चीजें जो है वो ज्यादातर केसेस देखने को मिल रही है, ऐसे में ये लोग क्या करें? देखिए, सोशल डिस्टेंसेस के तहत हम इंटरनेट के माध्यम से, अभी मैं आपके साथ स्काइप के माध्यम से जुड़ी हूँ, आपके स्टूडियो में नहीं बैठी हूँ, यही इसका एक लाइव एग्जांपल है। अगर हम कुछ करने की चाह रखते हैं, हम अपने आपके अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, सोशल मीडिया के थ्रू, आजकल नेट का दौर है, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। अगर आप अकेले और लोनली फील कर रहे हैं, आप अपने आप को किसी हॉबी में इन्वॉल्व करिए, आप मोटिवेशनल वीडियोज देखिए, अगर आप फैमिली में बैठे तो बोर्ड गेम्स आप खेल सकते हैं, आप वो चीजों की लिस्ट बनाइए। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, आप कौन कौन से ऐसे काम करना चाहते हैं? मेरे और आप जैसे लोग जो कि वर्कहोलिक है, आज के वक्त में भी मुझे याद है, अभी दो दिन पहले मैंने यूएस में अपनी एक फ्रेंड से एक घंटा बात की, शायद पिछले 11 साल में मैंने उससे कभी एक घंटा बात नहीं की है फोन पर, बिकॉज आज आपके पास टाइम है, आपको लगता है आपको किसी की फिक्र हो रही है तो आप उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है जो चीजें जिंदगी में आप नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इमोशंस के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा अपनी जिंदगी के पिछले 10, 20, 30, 40 या 50 या 60 सालों में वो कैसा महसूस करते हैं, किसकी बात उन्हें अच्छी लगती है, किससे मिलना अच्छा लगता है, किससे बात करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों से मिलिए, जुलिए, बात करिए। आप फिजिकली दूर है, पर फिजिकली दूर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली दूर होने के साथ साथ आप मेंटली और इमोशनली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ याद करना और आप एक डायल नंबर से दूर हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से आज वर्ल्ड के किसी भी कोने पर पहुंच सकते हैं और दूसरों से कनेक्ट में हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस चीज को समझना और जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे एक दूसरे के साथ लिंक बना के रखेंगे तो हमें कोई बोरियत नहीं होगी। खुद को इन्वॉल्व करिए, बुक्स रीड करिए, म्यूजिक सुनिए, आप किसी मूवीज को देखना चाहते हैं मूवी देखिए, स्केचिंग करिए, पेंटिंग करिए, आप जो करना चाहते हैं कलरिंग करिए, घर की सफाई करिए, वार्डरोब क्लीन करिए। मुझे लग रहा है जिन घरों में मेड्स नहीं आ रही और जो पार्ट टाइम मेड्स पर डिपेंडेंट है, उनके पास घर में करने को बहुत सारे काम है। नई स्किल्स सीखिए, गिटार सीख सकते हैं, पियानो सीख सकते हैं, आजकल हर चीज ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज हाउ यू कैन कनेक्ट विद अदर पीपल। और मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत सारे माध्यम है, कमी नहीं है, बट हमें खोजने की जरूरत है। डॉक्टर निशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो सुझाव दिया मुझे लगता है निश्चित तौर पर लोगों को ये बहुत ही सही लगेगा और आने वाले समय में उनके लिए काफी मददगार भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज संपूर्ण लॉकडाउन का तीसरा दिन है। दिल्ली से दिहाड़ी मजदूरों का पैदल पलायन अब भी जारी है, लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल मार्च करने को मजबूर हैं। पिछले दो दिन से मीडिया में खबर चलने के बाद अब सरकार जागी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मजदूरों की मदद का निर्देश दिया है। आधी रात का वक्त है, दिल्ली की सड़कों पर लंबे लंबे डग भरता लोगों का एक जत्था बढ़ता जा रहा है। किसी के कंधे पर बैग का बोझ है तो कोई अपने बच्चों को कंधे पर बिठाए हुए है। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। ये सब निकल पड़े हैं ऐसे लंबे सफर पर जहां कब पहुंच पाएंगे ये इन्हें भी नहीं मालूम। इनमें कई ऐसे भी हैं जिनके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं है। जनता तो फोन कर रहे हैं, हम तो निकल रही है, तो हमने खूब इंतजार किया, हमारे पास पैसे थे सो हमने खाया, अब पैसे नहीं है तो अब क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। गणेश से मिलिए, 6 साल की बेटी को कंधे पर बिठाकर अपने गांव इटावा पैदल ही निकल पड़ा है। दिल्ली के रानी बाग की जिस फैक्ट्री में गणेश काम करता था वो बंद हो चुकी है। काम धंधा है नहीं है, जितना दिन रहा उतने दिन में पैसे रहा उतने दिन करते रहे। रजनीश ऑटोमोबाइल की शॉप में काम करता था, लेकिन अब उसके ऊपर संकट खड़ा हो गया है कि अब ऐसी स्थिति में वो करें तो क्या करें। खाने के लिए ना तो पैसा मिल पा रहा है, मालिक को फोन करो, आने के लिए बेचारा सोच रहा है कि कह रहा है कि बेचारा क्या करूं, तो दिक्कत है। मकान मालिक अपना किराया मांग रहा, अब दो दिन से खाने के लिए कुछ आया नहीं तो खाएंगे क्या। जितने लोग उतनी ही दर्द भरी कहानियां। ये लड़की पढ़ाई के साथ करोल बाग में जॉब कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसके पास
अब पैसे खत्म हो गए हैं और ये वापस बरेली अपने घर जा रही है। अकेले हैं, मेरे मम्मी पापा गांव में हैं। अच्छा, गांव में। आप यहां पर काम करती थी? हाँ जी। कहां पर? पढ़ाई और जॉब दोनों, करोल बाग में। अब यूपी के गोंडा की इन तस्वीरों को देखिए। ये मनकेश कुमार हैं, दिल्ली से ऑटो लेकर गोंडा पहुंच गया, लेकिन इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे बिहार के मोतिहारी जाना है, जबकि अजय ठेला लेकर दिल्ली से गोंडा पहुंच गया। तो कैसे आए आप लोग? वहाँ से हम एटो से आए हैं। और कहाँ जाना है? बिहार जाना है, मोतिहारी जिले। इस युवक को देखिए, इसका दावा है कि लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर पैदल चलते हुए लखीमपुर जिले के गोला पहुंचा है, वो भी पीठ पर 50 किलो का सामान लादे। पुलिस को जब इसकी खबर लगी तो पुलिस वालों ने युवक को खाना खिलवाया और टैंकर से युवक को शाहजहांपुर भिजवाया। पिछले दो दिन से दिहाड़ी मजदूरों के दिल्ली और दूसरे महानगरों से पलायन की खबरों के बाद अब सरकारें भी हरकत में आने लगी हैं। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इन मजदूरों की मदद का निर्देश दिया। सीएम योगी ने ट्वीट किया, कोरोना लॉकडाउन के दृष्टिगत मानवीय आधार पर प्रदेश के बॉर्डर पर पैदल आ रहे व अन्य राज्यों को पैदल जाने वाले मजदूरों व कर्मकारों हेतु संबंधित अधिकारियों को भोजन, पानी की व्यवस्था व स्वास्थ्य संबंधी पूरी सावधानी बरतते हुए सबको सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने इस बाबत बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात कर इन राज्यों के सभी लोगों का ख्याल रखने का भरोसा दिया। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। अब एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर खाकी वर्दी वालों के प्रति आपकी धारणा बदल जाएगी। लॉकडाउन में फंसी एक गर्भवती महिला के लिए बरेली और नोएडा की पुलिस देवदूत की तरह सामने आई। कैसे? क्योंकि महिला का पति नोएडा में फंस गया था, महिला ने एक वीडियो जारी किया, पुलिस से मदद की अपील की, तो बरेली और नोएडा की पुलिस ने साझा ऑपरेशन करते हुए महिला के पति को उसके पास पहुंचाने में मदद की। अब से कुछ ही वक्त पहले, शायद 4 या 5 घंटे पहले, मैं मौत और ज़िंदगी से लड़ रही थी। मेरे हस्बैंड नोएडा में फंसे हुए थे और यहाँ मुझे लेबर पेन हो रहा था। मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाने वाला भी कोई नहीं था और आज मेरा प्यारा सा बेटा है और मेरे हस्बैंड भी हैं मेरे साथ। बरेली के इज्जत नगर में रहने वाली तमन्ना अली खान के लिए नोएडा और बरेली के पुलिस वाले किसी भगवान से कम नहीं। तमन्ना 9 महीने की गर्भवती थी, लेकिन काम के सिलसिले में नोएडा गए तमन्ना के पति अनीस खान वहीं फंस गए थे। तमन्ना के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, किसी भी वक्त अगर लेबर पेन शुरू हुआ तो वो क्या करेगी? ऐसे में उसने ये वीडियो जारी कर बरेली पुलिस से मदद मांगी। मेरा नाम तमन्ना अली खान है और बरेली की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड इस वक्त नोएडा में फंसे हुए हैं, वो वहाँ मजदूरी करने गए थे। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही रहते थे। अभी कुछ ही दिन पहले वो नोएडा गए थे काम करने के सिलसिले में। मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ एंड आई नीड माय हस्बैंड वेरी बैडली। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बरेली तक सही सलामत पहुँचवा दीजिए, मुझे उनकी ज़रूरत है। मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो देखते ही बरेली के एसएसपी शैलेश पांडे ने तमन्ना से फोन पर बात कर उसे आश्वस्त किया, साथ ही तमन्ना को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की। तमन्ना से उसके पति का नंबर लेकर उससे संपर्क साधा गया। इसके बाद बरेली के एसएसपी ने नोएडा के एसीपी रणविजय सिंह से संपर्क किया। नोएडा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बुधवार को रातों रात तमन्ना के पति को बरेली भिजवाया। हमने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की और व्यवस्था करने के बाद उनको गाड़ी में, चूंकि आप समझ सकते हैं कि
प्राइवेट गाड़ी वाले कोई तैयार नहीं हो रहे थे, तो ये चूंकि स्पेशल केस था इसके लिए हम लोगों ने उनको भेजा। और जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद संभवतः उनको प्रसव पीड़ा हुई, उसके बाद वो लेकर के हॉस्पिटल गए और उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। नोएडा पुलिस से उपलब्ध कराई गई कार से तमन्ना के पति बुधवार रात 2:30 बजे बरेली पहुंचे। अनीस के अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद तड़के 3:15 बजे तमन्ना ने बेटे को जन्म दिया। आप लोगों के प्रयास की वजह से मेरे हस्बैंड बरेली आ पाए, वो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर पाए और यहाँ मैंने प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। खाकी में भगवान है आप लोग, सच में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों की वजह से ही शायद मैं जिंदा हूँ। तमन्ना ने अपने नवजात बेटे का नाम नोएडा के DCP रणविजय सिंह के नाम पर रखा है। ऐसे वक्त में जब कई शहरों से पुलिस की सख्ती की परेशानी करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं बरेली और नोएडा पुलिस का ये मानवीय चेहरा सबके लिए मिसाल है। बरेली से कृष्ण राज और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन के बीच पुलिस का भी अलग चेहरा सामने आ रहा है। अलग अलग शहरों में पुलिस वाले मददगार साबित हो रहे हैं, कहीं पुलिस वाले फंसे लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं तो कहीं भूखों को खाना खिला रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि जैसे हाथ की उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह से पुलिस वालों का रवैया भी एक जैसा नहीं होता। लॉकडाउन के बीच दिल्ली पुलिस ने भी इंसानियत की मिसाल पेश की। अलग अलग जगहों पर जाकर पुलिस के अधिकारियों ने सड़कों पर रहने वाले मजदूरों और गरीबों को खाना देने के साथ साथ मास्क भी बांटे। गुरुग्राम का ये परिवार भी खाकी वर्दी वालों की मदद ताउम्र नहीं भूल पाएगा। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से PG में फंसी इस लड़की ने जब हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया तो ग्रेटर नोएडा की पुलिस खुद छात्रा को गुरुग्राम में उनके परिवार के पास छोड़कर आई। हम लोग ये सारे वो सेक्टर 92 गुरुग्राम। राजस्थान की दौसा में फंसे इन मुसाफिर मजदूरों की भूख भी पुलिस ने ही मिटाई। पुलिस ने पहले इनके हाथ सैनिटाइजर से धुलवाए और फिर खाने के पैकेट दिए। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से भी पुलिस के मददगार चेहरा सामने आ रहा है। गुरुवार को SSP साहिबा खुद घर घर जाकर पिज्जा बांटती दिखी, तो आज भी पुलिस ने गरीब तबकों में खाना बांट कर ये दिखाया कि लॉकडाउन किसी के लिए भूखा रहने की वजह नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पुलिस का आपने मानवीय चेहरा देख लिया, अब हम आपको एक ऐसा उनका रूप दिखाते हैं जिसके लिए खाकी वर्दी दरअसल बदनाम है। जी हाँ, पुलिस का सख्त चेहरा जो लाठियां बरसाती है, मुर्गा बनाती है और बहुत कुछ ऐसी चीजें करती है ताकि लोग कानून का पालन करें, जिसकी वजह से लोग पुलिस से डरते भी हैं। ये नाहन की तस्वीर है। लॉकडाउन को तोड़ने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने दौड़ कर ठोका। कुछ उठक बैठक करते नजर आए तो कुछ सरेआम मुर्गा बनाए गए। संपूर्ण लॉकडाउन का तकरीबन पूरा पालन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ना तो कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं और ना ही लॉकडाउन को। बिहार के दरभंगा की इस तस्वीर को भी देख लीजिए, यहाँ भी कहानी वही। लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच सैर करते धरे गए तो पुलिस ने खूब सत्कार किया। कर्नाटक के मैसूर में पुलिस जब बैटिंग को उतरी तो लॉकडाउन तोड़ने वाले खिलाड़ी हक्के बक्के रह गए। जी हाँ, ये लोग लॉकडाउन के दौरान पास के मैदान में क्रिकेट खेलने इकट्ठा हुए थे। पुलिस को खबर लगी तो पहले सबको मैदान से आउट किया और फिर अपने अंदाज में इस तरह बल्लेबाजी शुरू कर दी।
अब जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर देखिए। लॉकडाउन तोड़कर ये बाहर निकले थे। पुलिस ने उठक बैठक कराकर सबक तो सिखाया ही, कुछ लोगों को मैं समाज का दुश्मन हूं की तख्ती भी पकड़ा दी। कर्नाटक के कलबुर्गी में तो पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने का अनोखा तरीका निकाल लिया। लाठी चार्ज करने, मुर्गा बनाने या उठक बैठक कराने की जगह इनसे सड़कें साफ कराई गईं। पुलिस का ये एक्शन तेलंगाना का नालगोंडा में उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया। तेलंगाना आंध्रा बॉर्डर पर छात्रों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। दरअसल छात्र अपने घर जा रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी पर कहा सुनी पत्थरबाजी में बदल गई। आज तक उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है कि कोई भी भूखा ना रहे, जो अपने घर से बेघर हो चुका है, सड़क पर है, उन तक भी खाना पहुंच सके, वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक कम्युनिटी किचन का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये देखिए उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूरे जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे खाना बनाया जा रहा है, स्वच्छता का ध्यान रखा जाना जा रहा है या नहीं, पैकिंग कैसे की जा रही है, और इसके बाद सबसे जरूरी इसका वितरण कैसे किया जाएगा ताकि ये जरूरतमंद लोग तक पहुंच सके। देखिए एक एक डब्बा खोलकर यहां पर मुख्यमंत्री खुद जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि क्या वाकई इस खाने को ठीक तरीके से बनाया गया है, स्वच्छता का ध्यान रखा गया है नहीं, लोगों ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं नहीं, ये सब कुछ इस सामुदायिक किचन यानी कि कम्युनिटी किचन में किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लॉकडाउन की अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, लेकिन एक तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं, नोएडा के जीआईपी मॉल के सामने से मिली है। यहाँ पर एक नील गाय देखी गई है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सड़क पर एक नील गाय दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नोएडा के जीआईपी मॉल के सामने का है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।